थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देखना। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है बॉडी की, लाइक फूड को डाइजेस्ट करना, आपकी हार्ट रेट, आपका पीरियड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें थायराइड ग्लैंड देखता है। हाइपोथायराइडिज्म में ये हार्मोन जो है बहुत कम सिक्रीशन होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं हम। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको कौन से फूड हमें बेनिफिट करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही कॉपर जार में ओवरनाइट रखा हुआ पानी हेल्पफुल करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और आपकी बॉडी में कॉपर की मात्रा को रेगुलेट करेगा, जिससे ब्लड फॉर्मेशन होती है। फिर ओवरनाइट सोक्ड नट्स आप ले सकते हैं, जो आपकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। अंजीर, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सफ़ेद पेठे का रस, जिसको हम एश गार्ड जूस बोलते हैं। ये रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया, कुछ एक साल से मैं ले रही हूँ, और इससे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। ब्रेकफास्ट आपको करना है ऐसा जिससे आपको ब्लोटिंग ना हो और प्रोटीन की इनटेक आपकी बनी रहे। तो एक बैलेंस्ड मील लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ग्लूटेन फ्री रहते हुए, क्योंकि ग्लूटेन फ्री आपको रहना बहुत फ़ायदेमंद होगा, उससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा। तो यही मैंने डिस्कवर किया है, जैसे आप इडली, डोसा ये सब ले सकते हैं, रागी, बाजरा, ज्वार, मौसम के अकॉर्डिंग ये सारे ग्लूटेन फ्री नाश्ता आप ले सकते हैं। तो नाश्ते के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में एक कुछ जो आपके सैलड है, आपके मनपसंद सैलड आप ले सकते हैं। मुझे कुकुम्बर या खीरा अच्छा लगता है। तो आपका जो लंच है, लंच आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, ताकि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो। वैसे भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो एंड स्लगिश है, इसको बूस्ट अप करने के लिए आपको चबा चबा के खाना खाना है, धीरे धीरे खाना खाना है, सो दैट आपका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपको एक मिक्सचर बताती हूँ, जिसमें आप लेंगे जीरा, और आप लेंगे सौंफ, और लेंगे साबुत धनिया। इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे, रोस्ट करके कोर्स भी आप ग्राइंड करके एक जार में रखेंगे। एक लीटर पानी बनाएंगे, जिसमें आप 2-3 चम्मच इस पाउडर का डालेंगे, उसको एक फ्लास्क में रख के सारा दिन इस पानी को फिनिश करना है, सिप बाय सिप। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइपोथायरायडिज्म में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। इवनिंग में चाय बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि चाय आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। वैसे ही आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो रही है इस कंडीशन में, तो चाय की जगह आप अर्जुना बाग की टी लीजिए। मैंने रेसिपी बहुत बार शेयर की है, क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म में आपकी हार्ट रेट भी इन्वॉल्व होती है, तो हार्ट की प्रोडक्शन के लिए, हार्ट की प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए अर्जुना बाग टी बहुत अच्छी है। और बाकी ये सब कुछ है, नट्स है, कोकोनट है, फॉक्स नट है, इसमें सेलेनियम की मात्रा अच्छी होती है, वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। तो फोकस हमारा वही है कि मेटाबॉलिज्म को हम कैसे बूस्ट करें। आंवला की चटनी, मेरी यूट्यूब चैनल पे डिटेल रेसिपी है इस सब की। आंवला की चटनी अपने हर एक मील के साथ ले सकते हैं, तो क्योंकि इसमें धनिया भी है, धनिया बहुत हेल्पफुल रहता है आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 80% डाइट है तो 20% एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्लूटेन फ्री रोटियों की बात आती है, तो विंटर्स में आप बाजरा, मकई ले सकते हैं, समर में आप कुट्टू का आटा एकादशी के दिन, या आप सिंघाड़े का आटा, ये सब आप नियम बनाइए। और उसके साथ साथ आप रागी, रागी तो एक वंडर मिलेट है, फिंगर मिलेट, जिसमें विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन सब कुछ होता है। तो इसके साथ साथ द वे यू कुक योर फूड, मिलेट्स को इंक्लूड करना, ग्लूटेन फ्री रहना, और बर्तन जिसमें आप खाना पकाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तनों में पका पका के, जब एल्युमिनियम की लीचिंग हमारी बॉडी में होते हैं, तो वैसे ही हमको आयरन की एब्जॉर्प्शन में वो हिंडर करता है। तो इवनिंग में आप सूप्स ले सकते हैं,
आपको एक बैलेंस मील लेना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में एक लाइट मील भी लेना बहुत ज़रूरी है। 7:30 के अंदर अंदर आप अपना डिनर रैप अप कीजिए। सारे दिन में पानी का इंटेक का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज का ख्याल रखिए, होममेड खाइए, इवन सॉसेस भी आप होममेड बनाइए, मिलेट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, मिलेट्स पे भी वीडियोस है बहुत सारे, और ग्लूटेन फ्री रहिए। ग्लूटेन फ्री रहने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं टाइम टू टाइम रील्स के थ्रू बताती रहती हूँ। आई डू नॉट टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट मेक यू रिमाइंड द थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। आप क्या करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है चाय। चाय जो है एक बहुत बड़ा एडिक्शन है और न्यूट्रिएंट इनहिबिटर भी है। चाय को एक्सक्लूड करके आप उसकी जगह बहुत सारे काढ़े के फॉर्म में आप हल्की सी तुलसी की चाय, या आप जो अभी मैंने आपको बताया अर्जुना बाग टी, ये सब बना सकते हैं। और जो आपके एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनको रिप्लेस करके आप आयरन के बर्तनों में खाना बना सकते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगी। वीट को, जैसे आप देख रहे हैं, वीट को रिप्लेस करके आप एम्ब्रेस कर सकते हैं ग्लूटिन फ्री आटे, ग्लूटिन फ्री रोटियां, ज्वार हो गया, जौ हो गया, आपका बाजरा हो गया, बहुत सारे हैं, 5 पॉजिटिव ग्रेन्स हैं जो आप ले सकते हैं। फॉक्सटेल मिलेट, कुड़ो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ब्राह्मरी, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम आप सोने से पहले कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड शांत रहेगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म वो भी बूस्ट होगा। बीच बीच में ये छोटी छोटी चीज़ें शांत अपने आप को रखने के लिए, ये भी ज़रूरी है कि आपका पार्टनर, आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।